कन्वर्जन में दो मेथड होते हैं, कन्वर्जन में दो ही चीज़ें इस्तेमाल होंगी, ठीक है। कन्वर्जन में केवल दो ही चीज़ें यूज होंगी, एक तो कन्वर्जन के 19 फार्मूले जो लिखाए थे बस वो याद कर लो, इन फार्मूलों का यूज होगा, ठीक। और दूसरा, जब आपको फार्मूले नहीं मिलेंगे तो बस ये तीन चीज़ों का यूज करोगे। बेंजीन पर जैसे ही पहुंचोगे तो आपके पास तीन ऑप्शन थे, जैसे बेंजीन बने क्लोरीन से कराओगे रिएक्शन एपी की प्रेजेंस में होगी, तो आप देखेंगे HCl अलग हो गया, क्लोरोबेंजीन बने, तो क्लोरोबेंजीन बना लोगे। दूसरा ऑप्शन क्या है, HONO2 से रिएक्शन कराएंगे कंसेंट्रेट, ठीक, तो आप देखेंगे H2O अलग होगा, तो आपके पास नाइट्रोबेंजीन एक कंपाउंड बन जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या है, मेथिल क्लोराइड से रिएक्ट कराओगे एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होगी, HCl रिमूव होगा, टोलरीन बन जाएगी, टोलरीन। ये तीन केस फार्मूले याद कर लो, तीन तरीके, जब फार्मूले लगना बंद हो जाए तो क्लोरीन से रिएक्शन कराकर क्लोरोबेंजीन बनाओगे, नाइट्रोबेंजीन से नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराके नाइट्रोबेंजीन बना लोगे, मेथिल क्लोराइड से रिएक्शन करके टोलुइन। बस बेंजीन पे रुकना, तो इनमें से कोई भी चीज़ यूज कर लेना। अगर आप यहाँ पे पहुँच गए तो आपके पास फार्मूले, कोई भी फार्मूला लगा सकते, एक एक क्वेश्चन 10-10 मेथड से कर सकते, एक नहीं, एक क्वेश्चन को करने का 10-10 मेथड, 10 अलग अलग लोगों को एक क्वेश्चन दे दे, किसी का भी किसी से मैच नहीं करेगा, लेकिन सबका सही होता है, ये खासियत होती है कन्वर्जन। आइए भाई, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, बेंजीन से क्या बनाना होता, बोलो, बेंजीन से फिनॉल बनाना है। देखिएगा इसी क्वेश्चन को हम कितने तरीकों से बना सकते हैं, दसियों मेथड या क्लास दो या तीन मेथड बताएंगे, देखो बेंजीन से फिनॉल बनाने के कितने मेथड हैं। आइए बात करते हैं फर्स्ट मेथड, बेंजीन से बाहर निकालने का एक ही मेथड है। आप बेंजीन की रिएक्शन तीन ऑप्शन दिए हैं, मान लीजिए आपने क्लोरीन से रिएक्शन कराया, एपी की प्रेजेंस ले लो, क्या होगा, HCl रिमूव होगा, एक क्लोरीन बचेगा ऊपर जाएगा, तो बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनेगा। Cl आ गया तो Cl का फार्मूला है हमारे पास, Cl आ जाए तो KCl से रिएक्शन करा दो, क्या होगा, KCl रिमूव हो जाएगा, Cl आ जाएगा, साइनोबेंजीन बन जाएगा। Cl के हमने दो फार्मूले लगाए थे, दिखाए हैं, दो में से कोई भी फार्मूला लगा लो बनेगी। सपोज हम Cl का दो वाटर लेकर रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक, तो Cl ग्रुप बदलता है C OH, तो Cl की जगह पर COOH आ जाएगा, ठीक। कहीं COOH लगाओ, N3H से रिएक्शन कराएंगे कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक, तो COOH आपका NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, एनिलीन बन जाएगा हमारा। NH2 का एक ही फार्मूला लिखाया था, कहीं NH2 दिख जाए, HNO2 से रिएक्शन NH2 कन्वर्ट हो जाएगा OH में, तो अपना फिनॉल बन जाएगा। एक तो ये तरीका है, ठीक है, जिसके दिमाग में जो फार्मूला आएगा लगाएगा, बनता सबसे कोई फिक्स नहीं। मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति, उसका दिमाग अलग है, कोई दूसरा मेथड यूज कर रहा,
इसमें HONO2 से रिएक्शन कराना है, इसे HONO2 से इधर देखो कंसेंट्रेट लेंगे तो भाई साहब वाटर अलग हो जाएगा, वो पहुंच जाएगा नाइट्रोबेंजीन NO2। NO2 का एक ही फार्मूला है, इसका सिंगल फार्मूला, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, टू वाटर अलग SN और SCl की प्रेजेंस लेते हैं इसमें, फोर एच ड्रॉप से दो वाटर अलग NO2 निकाला, NH2 में बदल जाता है, NH2 पे पहुंच गया। NH2 का एक ही फार्मूला, NH2 का एक फार्मूला होता है, NH2 का फार्म लगाएंगे HNO2 रिएक्शन, N2 अलग वाटर अलग NH2 आपका OH में बदल जाएगा, तो हमारा एनिलीन से फिनोलिन है। तीसरा क्वेश्चन आ जाओ, तीसरा मैथ किसी क्वेश्चन, किसी का दिमाग अलग तरह का है, वो बेंजीन की रिएक्शन मेथिल क्लोराइड से करा रहा है, से प्रेजेंस ध्यान रखना एनहाइड्रस AlCl3 की रहती है, क्या करेगा वो HCl निकाल देगा, CH3 पे पहुंच जाएगा, वो टोलुइन बना देगा। CH3 के दो फार्मूले हैं, एक दो ऑक्सीजन एक तीन ऑक्सीजन, CH3 का तीन ऑक्सीजन वाला फार्म लगा देंगे, तीन ऑक्सीजन का फार्म लगाएंगे KMnO2 फार्मूले आपके सामने लिखे, CH3 कन्वर्ट हो जाएगा इसमें C डबल हो जाएगा, CH3 कन्वर्ट इसमें C डबल, CH3 ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा C डबल, C डबल एच का फार्मूला होता है N3S रिएक्शन कंसेंट्रेट H2SO4, C डबल एच आपका NH2 में कन्वर्ट, NH2 का भाई साहब एक ही फार्मूला है HNO2 से रिएक्शन, NH2 N2 और वाटर अलग, यहाँ CO2 और N2 अलग, यहाँ पर वाटर अलग, NH2 कन्वर्ट हो जाएगा OH में, तो ये अपना फिनोल है। ऐसा नहीं यहाँ पे हजारों तरीके हैं, तो मैं तीन ही तरीके बताए, मतलब हमने ये बता दिया कि आप क्लोरीन से कराओगे तो भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं पहुँचोगे, नाइट्रिक एसिड से तो भी बनेगा, तीन ऑप्शन थे बेंजीन से आगे बनेगा, तीनों ऑप्शन बता दिए, तीनों से बनेगा क्वेश्चन तो पूरा हो ही जाएगा, कैसे भी हो बनता है ये तो गारंटी है, गलत नहीं होता। दूसरा क्वेश्चन बोलो क्या है, बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, देखो ये तीन क्वेश्चन तो सिंपल है, बेंजीन से आपको नाइट्रोबेंजीन बनाना है, हाउ डू यू फाइंड बेंजीन टू नाइट्रोबेंजीन। तीसरा ये बोल दो साथ में, बेंजीन से एनिलीन, बेंजीन से एनिलीन बनाना है, एक NH2 बनाना है, और बोल दो बेंजीन से बेंजोइल रिएक्ट है, बेंजीन से बेंजोइल रिएक्ट बेंजल रिएक्ट। चलो पहले ये दो देखते हैं, सुनो दरअसल बेंजीन से नाइट्रोजन NO2 को बदलने का फार्मूला है, NO2 को लाने का कोई फार्मूला नहीं है, NO2 लाना है तो आपका एक ही काम करना पड़ेगा HONO2 से रिएक्शन, और भी ऑप्शन है, तो बेंजीन से NO2 को लाना है तो HONO2 से रिएक्शन कराओ कंसेंट्रेट, तो H2 निकलेगा और आपका कंपाउंड बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन, ये बेंजीन से नाइट्रोजन। अब एच को एच को बदलना है, हजारों तरीके होंगे यहाँ से, सुन हम फिलहाल एक ही बताएंगे, बेंजीन को क्लोरीन से रिएक्ट करा दिया, ठीक है सुन, क्लोरीन एपी की प्रेजेंस ले लो, HCl निकलेगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा तो Cl, ठीक है Cl का एक ही फार्मूला है KCN से रिएक्शन, KCl अलग होगा, KC निकला CN भला तो Cl लिए CN आ गया, ये फार्मूले देखते हैं ना, फार्मूलों का खेल है, कौन सा फार्मूला लगा रहा है, KC निकल गया CN आ गया, C
सीएम का दो फार्मूले होते हैं, चाहे जो लगा दो स्टेप का फर्क पड़ेगा, बनेगा वही। सीएम लगाए दो वाटर सिलेशन पर अमोनिया गए, सीएम की जगह पर सी डबल होना चाहिए। अब अपना टारगेट पकड़ो, हमें नेक्स्ट टू लाना है सी डबल एच। क्या सी डबल एच का कोई ऐसा फंड है जो डायरेक्ट एनएच टू तक जाता हो? सी डबल एच लगाओ, देखो पढ़ना एन थ्री एच से रिएक्शन कराएंगे, कंसेंट्रेट एच टू इज मोर न्यूट्रिएंट्स लेंगे, वाई साहब एन टू और सी ओ टू चली जाएगी, एन टू गया और सी ओ टू गया, क्या बन गया एन एच टू, कंपाउंड बन जाएगा एन बी, क्या बन गया एन बी। अब चौथा क्वेश्चन बोलो, बेंजीन से बेंजोइक एसिड कैसे? बेंजीन से बेंजोइक एसिड कई तरीके हैं हमारे पास, एक देखो यही पे बना है बेंजीन से बेंजोइक एसिड, यही बना है ऐसे बना लो, या दूसरा तरीका देखो लेटेस्ट, बेंजीन को आप चाहो तो मिथाइल क्लोराइड से रिएक्ट कराओ, एनहाइड्रस AlCl3 की बनेस, क्या देखोगे आप लोग HCl निकलते हुए देखोगे, क्या बनेगा CH3 बनेगा, क्या है टॉलरेंट, CH3 का भी फार्मूला होता है हमारे पास, दो दो फार्मूले हैं चाहे जो लगा दो, हमने KM लोग CH3 से वाटर निकलेगा और बन जाएगा सी डबल एच बेंजोइक एसिड, एक स्टेप में बन गया, ठीक है। तीन नंबर बोलो क्या है पांचवा, बेंजीन से साइनो बेंजीन, सीधे देखो लिखे दे रहे हैं शायद यहाँ तक बन जाए, गेस करते हैं शायद क्या बन जाए, बन तो जाएगा, हम दो स्टेप में बना सकते हैं बाकी अखबार है। मान लो तुमने दिमाग लगा दिया क्लोरीन से रिएक्शन कराए, अच्छा दिमाग लगाया और क्लोरीन से रिएक्शन कराई, तो हमने देखा कि इससे निकल गया क्लोरोबेंजीन बन गया, अब क्लोरोबेंजीन बन गया तो सीएल को केसीएल से रिएक्शन करा दो, केसीएल निकल जाएगा ऑक्सीजन बन जाएगा डायरेक्ट, हमारा साइनोबेंजीन दो ही स्टेप में बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि दूसरे फल लगा देंगे तो भी बन जाएगा, बन तो जाएगा ही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को ऐसे देंगे, मान लीजिए बेंजीन को तुम कुछ और करते, तुमको HONO2 से रिएक्शन कराते, ठीक है ना, तो आप H2O निकालते, सिर्फ ये सीखना जरूरी है कि कैसे कि बन गया, ये सीखना जरूरी है कैसे कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ से वाटर अलग हो गया, नाइट्रोजन बन गए, क्या बन गया टू नाइट्रोजन बन गए, 6X से रिएक्शन करा दो, SN+ SL बस नहीं, दो चार H दो ऑक्सीजन तो दो वाटर अलग हो गए, क्या हो गया दो वाटर अलग हो गए, दो एच बचे यहीं पर गया NH2 बन गया, क्या बन गया NH2 का फॉर्मूला ही पता है कि HNO2 से रिएक्शन करा लेंगे भाई साहब, N2O वाटर हो जाएगा अलग, NH2 कन्वर्ट हो जाएगा इसमें OH, इसमें OH फिनॉल बन गया, क्या बन गया कहीं OH लगाओ, OH का पढ़ना जानते हैं, PCl5 से रिएक्शन HCl और POCl3 अलग, OH बदल जाएगा Cl, क्या बन गया क्लोरोबेंजीन बन गया, Cl है तो PCl से कहीं पढ़ना होता है, PCl निकल जाएगा Cl बदल जाएगा Cl, तो हमारा साइनोबेंजीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा साइनो, तो देखा और एक तरीका होता है
पांचवा छठवा क्वेश्चन बोलो तो तुम्हें बेंजीन से बेंजामाइड। देखो बेंजीन से बेंजामाइड बनाना, बेंजामाइड होता है CONH2। कैसे बना सकते हैं? हाँ देखते हैं। देखो मान लो बेंजीन की रिएक्शन तुमने मिथाइल क्लोराइड से कराई, क्या जिससे कराओ बनता सबसे, तो क्या होगा? HCl निकलेगा और CH3 बन जाएगा। क्या बन गया? टोलुइन बन गया। क्या बन गया? टोलुइन बन गया। CH3 का फॉर्मूला जानते हो, तीन ऑक्सीजन रिएक्शन KMnO4 रिप्रेजेंट होगा। क्या होगा? वाटर लग CH3 बदल जाएगा COOH। इसमें सिर्फ अब वो सी वन रखना, OH का रेशियो बदलना है तो OH को NH2 में बदलेगा, फाड़ना होता है। देखो ऊपर से दूसरा फाड़ना, ऊपर से दूसरा अमोनिया से रिएक्शन, क्या होगा? OH ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में, OH ग्रुप से वाटर अलग होगा, H2 ठीक है, H2 अलग NH2 बचेगा, बचे तो बन गया बेंजामाइड। इसको भी तस्वीर तरीके से बना सकते हैं, कोई फिक्स नहीं, ये रटने वाला टॉपिक नहीं, आप रट नहीं सकते सात जन्म। अगला बोलो बोलो बेंजोइल क्लोराइड। देखो ये भी यहीं तक आएगा, तरीका बदल देंगे, नहीं तो इससे देखो जैसे मान लो यहाँ तक आ जाते हैं, OH को CL में बदलने के लिए PCl5, बस यहाँ अमोनिया की जगह OH को PCl5 से रिएक्शन करा देते हैं, सेल आ जाता है। हम कुछ नया ट्राई करेंगे, हम ये वाला नहीं लगा देंगे, हम कुछ नया कुछ लगा दे रहे हैं, हम क्लोरीन से भी बना लेंगे, हमको क्या है, तो HCl अलग कर देंगे, HCl अलग कर देंगे, तो भाई साहब क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। बोलो अब CL के आने के बाद हम KCl से रिएक्शन कराएंगे, KCl निकल जाएगा तो भाई साहब साइनोबेंजीन बन जाएंगे। CN के आने के बाद जो वाटर से रिएक्शन हम देखेंगे कि अमोनिया अलग हो जाए, अमोनिया अलग तो COOH आ गया, तो वही हो गया, तरीका बदल दिया है, फिर भी अगर आप जाओगे OH लगा है PCl5 सिलेक्शन, HCl अलग POCl3 अलग, OH की जगह पर CL आता है, बन गया बेंजोइल क्लोराइड। क्या बन गया? बेंजोइल। सात क्वेश्चन बेहतर नंबर पर। हाँ आठवां क्वेश्चन बोलो बेंजीन से, आठवां बोलो बेंजीन से। देखो यार CH2NH2 बनाना है, बेंजिल एमीन बनाना है, और देखिए कैसे बने। देखो ये तो दिमाग वाला क्वेश्चन है, गुड। देन बेंजीन को CH3Cl से रिएक्शन करा दो एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, ठीक है भाई साहब? मानोगे नहीं, HCl निकल गया। बोलो क्या बना? CH3 टोलुइन बन गया। क्या हो गया? CH3 दिख जाए तुमको कहीं पर, तीन ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दो, COOH आएगा, वाटर अलग COOH, क्या बन गया? बेंजोइक एसिड। क्या बन गया? बेंजोइक एसिड। अब देखो COOH की तीन पार्ट हैं, एक हम लगा रहे हैं 4H वाला, लिथियम एल्युमिनियम H2। तो याद करो COOH बदल जाता है CH2OH में, इसमें CH2। अब क्या करना है?
OH को NH2 में बदलना है, तो भाई साहब अमोनिया एसिलेशन करा एनहाइड्रस AlCl3 सॉरी हाँ ZnCl ठीक H2O निकल गया बन गया बेंजाइल ठीक नौ नंबर बोलो बेंजीन से बेंजील अल्कोहल देखो ये यहाँ पे रुक जाए ये बनाना है ठीक हम यहीं से बना सकते हैं देखो ये पूरा चलाते रहते चलाते रहते चलाते रहते NH2 को HNO2 से रिएक्शन करा NH2 HNO2 करोगे लेकिन हम कुछ नया भी तुमको सिखा दे रहे हैं मतलब बता तो दिया कि बनी तो नहीं आया कुछ अलग ट्राई करते हैं अलग ट्राई करें हम Cl2 से करा रहे हैं तो HCl निकलेगा क्लोरोबेंजीन बन जाएगी एक Cl आ जाए आप KCl से रिएक्शन करा लेना साइनोबेंजीन बन जाएगी आप दो वाटर से करा दीजिएगा ठीक है अब देखो कारण Cl बदल जाता है COOH जरूरी क्यों उतनी स्टेप बने तो गड्ढा बढ़ा दी बनने के बाद ही जाएगा याद है अब COOH के बाद चार एच से रिएक्शन करा देंगे लिथियम एल्युमिनियम मिक्स को तो क्या होगा तो वाटर अलग दो एच एक ऑक्सीजन देखो ये ऑक्सीजन दो एच वाटर अलग तो दो एच ये बनेगा बन गया CH2OH बन गया बेंजाइल अल्कोहल बेंजाइल अल्कोहल 10 नंबर बोलो बेंजीन से बेंजील साइनाइड बहुत अच्छा क्वेश्चन ये देखो ये बनाना है देखो यहीं पर तो ये जा गए थे देखो ये PCl5 से कराते थे Cl आ जाता और Cl का पढ़ना जानते हो KCl से कराते थे Cl आ यहीं से बन गए फिर कुछ नया ट्राई करा रहे हैं तरीके सीखते रहो ये मत सोचो कि एक बन तो गया दूसरा कैसे है समझ लो दूसरा कैसे है ये ना सोचा करो उसमें इतना जहर की बहुत तेज चल जाएगा देखो हम कुछ अलग ट्राई करते हैं थोड़ी बढ़ जाए भले ही कंसेंट्रेट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे कंसेंट्रेट H2O4 में भाई साहब वाटर अलग नाइट्रोबेंजीन बन जाए ठीक है NO2 का एक है पढ़ना होता है 6HCl रिएक्शन SN प्लस HCl की प्रेजेंस में जो वाटर अलग होते हुए देख लेंगे हम NH2 बनेगा एनिलीन बन जाएगा क्या बन जाएगा एनिलीन बन जाएगा NH2 आ जाए तो आप HNO2 से रिएक्शन करा देना NH2 आपका OH में बदल जाएगा आयन में बदल जाएगा बढ़ जाएगी एंटू वाटर अलग ओ एच आ गया तो आप PCl5 से करा दीजिएगा ठीक है HCl अलग POCl3 अलग ओ एच का Cl में कन्वर्जन हो जाएगा Cl बन जाएगा Cl का पढ़ना है KCl से रिएक्शन KCl निकलेगा भाई साहब साइनोबेंजीन बन जाएगी थोड़ा थोड़ा आने लगे अब CN की थ्योरेटिक क्या है बस C दो जल वाला उससे तो बन ही जाएगी मान लो CN है दो जल से यहाँ हो यहाँ से यहाँ हो यहाँ से इसे पाइप से बन गया कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं लो अलग ट्राई कर लो मान लो तुम्हारा मन कर रहा है OH से रिएक्शन कराने का एक दूसरा पढ़ना होता है ऐसा सोडियम और HCl बोल के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं CN बदलता है CH2NH2 CH2NH2 बन गया यहाँ पे NH2 देखेंगे
शुरू हो या चीज बनने का मैंने जाइलेट को अंदर आ गया ध्यान रख ठीक है ना। PCL पाइप से रिएक्शन करा रही है HCl और POCl 3/7 CH2Cl बन जाएगा ठीक है। CL तुमको दिख गया अब क्या दिक्कत है KCL से रिएक्शन करा दो भाई साहब KCL अलग हो गया बोलो बन गया ठीक है।